Yes, good morning children. How are you? I hope you all are fine. So beta, happy new year. Beta, nave saal di main tuhanu te tuhade parivar nu bahut bahut dilo vadhai denni aa. Parmatma kare eh nava saal 2021 tuhade layi bahut sariyan khushiyan leke aave. So beta, aaj assi next lesson karange. Take out your Punjabi book, page number 85. पार्ट नंबर 13 है. पार्ट का नाम है धन श्री गुरु नानक देव जी. ठीक है, आज असी एक कविता करांगे. इस कविता विच गुरु नानक देव जी नाल संबंधित घटनावां दा वर्णन किया गया. गुरु नानक देव जी कौन सन तुहानू पता है? गुरु नानक देव जी सिखां दे पहले गुरु हैं. ये सब दे सांझे गुरु हैं. ठीक है, ये सिख धर्म के मोढ़ी सन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. 15 अप्रैल 1469 का सन सी. मैता कालू जी के घर चढ़िया चंद सी. 15 अप्रैल 1469 का सन. सन की होंगे साल सी. 15 अप्रैल 1469 का सन सी. मैता कालू जी के घर चढ़िया चंद सी. मैता कालू कौन सन? गुरु नानक देव जी के पिता जी का नाम की सी? मैता कालू. मैता कालू जी के घर चढ़िया चंद सी. माता तृप्ता जी का यह जाया धन गुरु नानक जग विच आया. माता तृप्ता कौन सी? गुरु नानक देव जी के माता जी का नाम. माता तृप्ता जी का यह जाया ये पुत्र. माता तृप्ता जी का यह पुत्र धन गुरु नानक देव जी संसार विच आए. कलयुग विच बाबे अवतार धारिया कुराहे पे लोगों नू सीधा राह विखा लिया. कलयुग विच, कलयुग विच गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया ते कुराहे पे लोगों नू सीधा राह विखाया. मैता कालू पांडे कोल पढ़ने सी पाया बाल नानक पांडे नू ही पढ़ा आया. मैता कालू जी ने गुरु नानक देव जी नू पांडे कोल पढ़न ली भेजिया. ठीक है, पढ़ने सी पाया लिखना है. पढ़ने सी पाया बाल नानक पांडे नू ही पढ़ा आया ते बाल नानक गुरु नानक देव जी पांडे नू ही पढ़ाए. ठीक है, मच्छा चारण गए टिकिया रब विच मन. आप दे पिता ने आप नू सफल दुनियादार दे रूप विच वेखना चाहते सन. करना चाहते सन जेडे आप दे पिता जी सन आप नू सफल दुनियादार दे रूप विच वेखना चाहते सन. ते एक बार उन्होंने उन्होंने मच्छा चारण लई भेजिया. ठीक है, तो उत्थे भी वह रब की भगती विच लीन हो गए. मंजा चारण गए टिकिया रब विच मन. चां कीती सप ने खिलार के सी फन. फिर उत्थे वह सो गए ते सप ने अपने फन खिलार के गुरु जी ते सिर ते चां कीती. सच्चा सौदा करनगे खाली हाथ आए वीर पे नाल भुखे साधु सिर जाए. व्यापार के खेत्र विच भी रुचि बताने लई एक बारी मैता कालू जी ने गुरु नानक देव जी ने व्यापार करने लिए भेजा. उन्होंने 20 रुपए दिते थे क्या कोई सच्चा सौदा करके आओ. तो उन्होंने की किया रस्ते उन्होंने कुछ भुखे साधु मिले तो उन्होंने 20 रुपया नाल गुरु जी ने उन्होंने साधुओं को भोजन चुका दिता. तो आप घर वापिस आ गए. तो उन्होंने कहा मैं सच्चा सौदा कर आया हाँ. ठीक है, सच्चा सौदा कर गए खाली हाथ आए 20 रुपए नाल भुखे साधु सिर जाए. उस टाइम उस समय ते 20 रुपए की बड़ी वैल्यू होंदी सी. उन्होंने देखिया साधु भुखे तो उन्होंने 20 रुपया नाल उन्होंने भोजन चुका दिता. पिता गुस्से में सुल्तानपुर भेजिया मोदी खाने का अनाज 13-13 कह बेचिया. फिर उन्होंने मोदी खाने विच सुल्तानपुर मोदी खाने विच नौकरी कर ली. क्या उन्होंने मोदी खाने विच नौकरी की थी. अनाज तोलन की उन्होंने नौकरी की थी. ते उत्ते भी उन्होंने सूरत सी जड़ी वो 13-13 विच टिकी. ते उन्होंने अनाज लोड़वंदा नू 13-13 कह के दे दिता वंड दिता. ठीक है, वेई नदी च अलोप हो के पाया ये ज्ञान ना ही कोई हिंदू ते ना ही मुसलमान. सुल्तानपुर जदों गए सी तो उन्होंने वेई नदी विच इशनान करन लई गए ते उत्थे 3 दिन वो वापिस नहीं आए उत्ते ही लोप हो गए. पर जदों वो आए तो उन्होंने की किया उन्होंने पूरा ज्ञान हो चुका सी. ते उन्होंने कहा कि सारे इंसान रब दे बनाए हैं ना ही कोई हिंदू है ते ना ही कोई मुसलमान. ठीक है,
ना ही कोई हिंदू ते ना ही मुसलमान रब दे बनाए हुए सारे इंसान। तुर पे उदासियां ते वंडने ज्ञान इस्त्री दा मान उना जग च वधाया राजियां दी जननी कह बड़ा वड्याया। गुरु जी संसारी कमां नूं छड के सच दा प्रचार करन लई यात्रावां ते निकल गए ते आपने चार दिशावां वल उत्तर पूरब पच्छम ते दक्कन वल ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਜਗ ਚ ਵਧਾਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਇਆ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਭੇਦ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਸੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।